असलम दोस्तों, आज मैं आपको सोलर मैक्स के हाइब्रिड इन्वर्टर को ऑन ऑन करने का तरीका बताऊंगा। तो सारे जितने भी इन्वर्टर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो सब ऐसे ही होते हैं। तो ऑनलाइन आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपने ऐप डाउनलोड कौन सी करनी है। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर से वॉच पावर या फिर सोलर पावर ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वॉच पावर ऐप या फिर सोलर पावर ऐप, तो ये हमारी जो सी ऐप है, ये ऐप पे आने के बाद ये हमारा पहले से कोई अगर लगा होगा, क्योंकि हमारा तो काम है, हमारे तो पहले से लॉगिन होते हैं। ये सबसे नीचे आपको रजिस्टर का आइकन नजर आ रहा है, आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तब आपने अपना नेम देना है, पासवर्ड देना है, ईमेल देनी है। ईमेल इसलिए लाजमी देनी होती है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप ईमेल से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद फोन नंबर देना है, उसके बाद डोंगल पिन देनी है। तो ये मैं ऊपर वाली चीजें हाइड कर दूंगा ताकि ये प्राइवेसी है। तो नीचे डोंगल पिन मैं आपको दिखा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं वीडियो को 2x पे चला रहा हूँ ताकि ये जो है ना जल्दी से मैं इसको कर सकूँ। आपने जस्ट ये स्कैन वाले बटन पे क्लिक करना है, जैसे अलाउ पे क्लिक करना है, अलाउ कैमरा पे क्लिक करना है, तो उसी टाइम आपको स्कैन वाले पेज पे ले आएगा। तो आपने, मेरे कैमरामैन को बोलूंगा, ये देखें, ये एक क्यूआर कोड होता है, इस पे आपका डोंगल का सारा जो है ना, आपका सारा कोड इसमें है, आपने इसको स्कैन कर लेना है। तो ये स्कैन नहीं कर रहा, इसको मैं ना मैनुअली इसको एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा उस तरफ, तो मैं उसको ना मैनुअली एंटर कर रहा हूँ। तो मैनुअली मैं एंटर करके आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, मैंने मैनुअली एंटर कर लिया पिन, जो सी आप देख रहे हैं उसको। मैं कैमरामैन को बोलूंगा दोबारा से एक दफा दिखा दे कि देखें सेम यही नंबर होना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने करने के बाद इस पे आपने, उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे, वो कह रहा है ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो कह रहा है यूजर नेम पहले एग्जिस्ट हो चुका है। तो उसके बाद हम इसमें ना, तो कुछ भी ना रैंडम 100 साथ अटैच कर दिया हमने। तो ये देखें कुछ लोडिंग ले रहा है, तो वो कह रहा है गो टू कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली। तो हम इसको गो टू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ से आता है स्टेप, इधर आपकी फ़ोन की सबसे पहले आपने लोकेशन को ऑन करना है। फ़ोन की लोकेशन को ऑन करने के बाद आपने जैसे अपने वाईफाई सेटिंग्स में आके, ये जो सी है ना, ये वाईफाई जो सा हमारा इन्वर्टर है, ये उसकी डोंगल है। इसका जो सा, इसका पासवर्ड जो सा होता है, ये 128 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8। इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है, लेकिन ये हमारा सिग्नल, ये सिर्फ एक जस्ट डोंगल सिग्नल आते हैं। तो हम बैक आएंगे, तो देखिए वो कनेक्टेड हो चुका है। जब तक इधर ये डोंगल कनेक्टेड नहीं लिखाएगा, आपने कंफर्म कनेक्ट पे नहीं क्लिक करना। यहाँ पे कंफर्म पे आपने नहीं क्लिक करना। आपने डोंगल कनेक्ट क्लिक हो गया तो आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे अपने घर का जो सा आपका वाईफाई है, जो आपके घर में लगा हुआ है, उसका SSID मांग रहा है। SSID से मुराद ये वाईफाई के आइकन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वाईफाई जोन से है ना शो हो जाएंगे यहाँ पे। ये आपका जोन सा जो आपका है, आपने उसको कर लेना। अगर नहीं आ रहा तो आप इस रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये आपने उसको सेलेक्ट करके कंफर्म करना है। उसके बाद आपने इधर पासवर्ड देना है, तो मैं आपको पासवर्ड दे के बताता हूँ। तो कर लो, मैंने ये पासवर्ड भी दे दिया और मेरा ये भी हो गया। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये रिबूट हो रहा है। रिबूट, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो सा आपके घर वाला वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा फौरी तौर पे। तो लेकिन आपने दोबारा से अपनी वाईफाई की सेटिंग में आना है। वाईफाई की सेटिंग में आके इधर जो आपका घर का वाईफाई है उसको आपने ऑटो कनेक्ट से जो सा ना हटा देना है। अगर ऑटो कनेक्ट से ना हटाएं, आप अपने फौरी तौर पर अपने डोंगल के सिग्नल को कनेक्ट कर लें। जैसे ही डोंगल के सिग्नल को कनेक्ट करेंगे, दोबारा से वो कनेक्टिंग अभी कर रहा है, अभी इधर कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में, तो ये देखें कनेक्टेड लिखा आ गया। तो जैसे ही हम आगे करेंगे, देखें ये हमारा इधर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका मतलब हमारी जो है ना, वो जो है डोंगल कनेक्ट हो गई है हमारे मोबाइल के साथ, ऑनलाइन हो गई है। तो अगर इधर क्रॉस आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका आईपी उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। हम उसके बाद रीड इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा ये देखें सक्सेसफुली आ गया है, सक्सेसफुल कन्फिगेशन, ठीक है, हमारी अब जो सा हमारा इन्वर्टर ऑनलाइन हो गया। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब हम मैन्युअली जो सा ना सारा कैंसिल करके, अब हमने डोंगल के सिग्नल को कनेक्ट किया हुआ है, तो हम सेटिंग में जाके डोंगल को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद दोबारा हमारा घर वाला जो सा नेट है हमारा, वो कनेक्ट हो गया। अब आपने जस्ट उसमें आना है। अब ये आपने अपने पास सेव करके रख लेना है, और पासवर्ड हमेशा, और आपने रिमेम्बर मी पे क्लिक करके आपने इसको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको ये देखिए आपका इन्वर्टर शो हो गया। इस टाइम हमारा इन्वर्टर किस कंडीशन में है, इस टाइम सोलर से वोल्टेज आ रहे हैं, वाट कुछ नहीं आ रहे। ये हमारी ग्रिड है, हमने बैटरी बैंक नहीं लगाया। उसके बाद ये अदर सारा जो है ना आ जाएगा।
और सबसे लोग जो सवाल करते हैं कि भाई हम टोकन कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको दोबारा से हमारी घर का वाईफाई चेंज करना होता है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, वाईफाई डोंगल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो इधर दोबारा से वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो सा हमने इमीडिएटली कॉन्फ़िगरेशन में किया था। तो जब आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज करें या वाईफाई राउटर चेंज करें तो दोबारा से आप वही प्रोसीजर करें जो आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं ना, जो नाम पासवर्ड और ईमेल देते हैं वो जस्ट आपने देनी है। उसके बाद आपका इन्वर्टर ऑनलाइन हो जाएगा और आपने वाईफाई डोंगल इन्फॉर्मेशन में जाके उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर लेना है। जब तक इधर ऑनलाइन नहीं लिखा आएगा इसका मतलब आपका इन्वर्टर ऑनलाइन नहीं हुआ, इधर ऑफलाइन ही लिखा आएगा। और ये आपकी डोंगल का नंबर है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।